हेलो दोस्तों, पॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मार्केट बढ़िया तरीके से क्रैश हुई है। ओके, और बहुत सारे ऐसे शेयर हैं, 10 ऐसे शेयर बताऊंगा आपको कि आपके पोर्टफोलियो से जो ज़बरदस्ती निकलवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप डर के मारे उसे बेचोगे ना, तभी जाके वो लोग उन्हें खरीदेंगे। क्योंकि अभी कुछ ऐसा होने वाला है उन शेयरों में कि वो शेयर आपके पोर्टफोलियो से ये ज़बरदस्ती निकाले जाते हैं। ये ट्रिक होती है बड़े बड़े लोगों की जिनके पास पैसे होते हैं, और वो फिर उस नीचे लेवल पर खरीदते हैं और फिर अच्छे खासे पैसे उससे कमाते हैं, और आप लोग फिर ऊपर लेवल पर खरीदते हो। तो वो लेवल जो होता है ना नीचे से खरीदने वाला, कि नीचे से हम नहीं खरीद पाते, हमेशा हम ऊपर की तरफ खरीदते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं, तो वो लेवल यही होता है। यही एक चीज़ होती है जिसकी वजह से फंस जाते हैं। तो उसकी तरफ बातें करेंगे, वो शेयर के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा कि कल जाके खरीद लो। ओके, मार्केट कितनी भी गिरे वो शेयर भागने वाले हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। क्यों वीडियो में बता दूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर दैट, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ, इसलिए बेल आइकन को भी हिट करें और बहुत सारे लोगों तक फैलाइए, ताकि हमारी एक बड़ी फैमिली बने। और हमारी बड़ी फैमिली बनेगी तो ऑब्वियसली बात है हम सब मिलकर ग्रो होंगे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है, एक एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराने के लिए, अगर आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराए, कोई भी चार्ज नहीं है इसमें और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ओके, तो उसके लिए आप दान दे सकते हैं और एक महत्वपूर्ण और एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर आपको सीधे ले जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 आज की डेट में 1.79% गिरी है। तो हम देख ही रहे हैं कि इस लेवल पर जाता है लगभग कितना 800-900 के लेवल तक ये जाता है, फिर उसके बाद एक अच्छी गिरावट कर देते हैं। कौन कर रहे हैं गिरावट तो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मंथ से यही काम चालू है, यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं। तो यही काम यहाँ पर इसे कह सकते हैं कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन फेज़ है। और ये कंसोलिडेशन फेज जब तक चलता रहेगा ना, तब तक ये टेंशन मत लो कि मार्केट और नीचे जाएगी, थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है। ओके, और बट मार्केट को और ऊपर जाना है। आपको बता सकता हूँ इसके जो टारगेट है वो इस बार अगले महीने 16,000 की तरफ, मुझे लग रहा है कि 16,000 की तरफ ये टच करते हुए दिखाएगा। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है। एज वेल एज हम बात करें कि निफ्टी 50 में आप देखेंगे ना, तो 3 शेयरों को छोड़ के, सिप्ला, एशियन पेंट और पावर ग्रिड, इन 3 शेयरों को छोड़ के बाकी सारे शेयर यहाँ आप देख सकते हैं रेड निशान में है। अच्छी खासी गिरावट, किसी में 4%, किसी में 3%, किसी में 2%, किसी में 1%, हर एक शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई है। बट कुछ शेयर ऐसे हैं जो इस गिरावट में भी थोड़े से गिरे हैं, तो उन्हीं शेयर की तरफ हम नज़रें बनाएंगे। और क्यों उनकी तरफ नज़रें बनाएंगे वो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक डेटा FIS और DIS का। तो देखिए, DIS निकालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट FIIs निकालते हैं तो फ़र्क पड़ जाता है और पता चल जाता है कि अब मार्केट गई पानी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से तो बस थोड़ा सा ही निकाल रहे थे, कुछ ज़्यादा नहीं निकाल रहे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ रहा था। बट आज की डेट में जो मार्केट गिरा है ना, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि FIIs ने, ओके अभी तक आज का डेटा आया नहीं है, बट आज अंदाज़ा लग गया है कि FIIs ने आज अच्छी खासी सेलिंग करी है। ओके, आप देख सकते हैं बॉन्ड यील्ड जो कि पिछले घबरा रहे थे, तो बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही थी कि ऊपर जा रही थी, तो आज की डेट में बॉन्ड यील्ड नीचे गई है। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉन्ड यील्ड के मारे मार्केट गिरी है। और दूसरी बात, हाँ थोड़ा सा कोरोना का असर है, बट आपको लॉकडाउन दोबारा थोड़े बहुत लगने को मिल सकता है कि 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, 4 दिन लग गया, इस तरीके से नहीं लगेगा कि 6 महीने लग गया, 3 महीने लग गया। तो इस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगने वाला। कोरोना का परेशानी ज़रूर है, वो हमारे इंडिया, आपको पता ही है हमारे इंडियंस का इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो हमारे इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बार, तो आप उस चीज़ के लिए बेधड़क रह जाइए। तो अब बात कर लेते हैं उन 10 शेयरों की जिसके बारे में आपको बता रहा था कि ये 10 शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो खरीद लीजिए क्योंकि अच्छे भाव पे आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट 1 महीने में बहुत ऊपर जाने वाला है। और FIIs और बड़े लोग हैं ना, ये शेयर अब या तो खरीदेंगे और ऑलरेडी खरीद के रख रखे हैं, कुछ दिन पहले भी इनमें खरीदारी हुई थी, और वो शेयर अब आपके पोर्टफोलियो से निकाले जा रहे हैं ज़बरदस्ती, ताकि आप डरे और आप उन शेयरों को ना खरीद पाए। और खरीदे भी तो लॉन्ग ऊपर की लेवल पे खरीदे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो या फिर आपको ऊपर की तरफ ट्रैप हो जाए। तो सबसे पहला शेयर इन्फोसिस।
इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है ओके, जो कि आपके दे यहाँ पर देखिए मार्केट अच्छी खासी गिरी है, जहाँ पर शेयर 4-4, 5-5% गिरे हैं, यहाँ पर केवल 1.21% ही गिरा है 16 रुपये का। और इसको आप देखेंगे अगर 1 month से, तो इसके साथ भी वही खेल खेला जा रहा है, ऊपर की तरफ ले जाते हैं फिर नीचे फिर ऊपर। बट इसका टारगेट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक मैक्सिमम भी देखेंगे तो अच्छा खासा ये शेयर है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे बोनस देने वाला शेयर है। और ये शेयर अब क्या आपको जब जाते हुए दिखेगा तो 1500 से 1600 की टच करता हुआ निकलेगा। 14 तारीख को इसके रिजल्ट है, 14 अप्रैल को, और मार्केट कल की एक्सपायरी के बाद फ्राइडे को शायद आपको भागती हुई मिलेगी, और कल की डेट में भाग सकती है, और वरना अप्रैल तो आ ही रहा है, और अप्रैल में मार्केट इस लेवल पर नहीं 16,000 के लेवल पर मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट का सीज़न शुरू हो गया है। एज वेल एज बात करें दूसरे शेयर की TCS, TCS का टारगेट 33 से 34,000 है, तो इस चीज़ को याद रखना। ये शेयर कहाँ से गिरा था, ये शेयर गिरा था यहाँ पर आप देख सकते हैं 3300, तो 3300 को तो देखिए टच करेगा नो डाउट, जो कि आपको 5%, बट मैं आपको बता रहा हूँ 3400 तक भी जा सकता है और 3500 तक भी जा सकता है, तो इस चीज़ को भी नज़र में रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चार्ट पैटर्न, कुछ भी हो, कितना कोरोना आ जाए कोई परेशानी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम इनका चल रहा है, इनके पास क्लाइंट अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, बड़ी बड़ी कंपनी को एक्वायर किया है। सेम एज इट इज़ SCL की बात कर रहा हूँ, SCL टूटा कितने से था, अगर बात करें SCL जो टूटा था ना, ये 1050 के आसपास टूटा था, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 1062 तक गया था, और फिर उसके बाद ये गिरता है, तो देखिए इस लेवल को तो ऐसे क्रॉस करना ही है। बट इसका टारगेट मैं आपको बताऊँ तो 1150, मुझे लग रहा है कि 1150 रुपये तक ये जाएगा विद इन 1 month, इसके रिजल्ट आने वाले हैं उस टाइम। टेक महिंद्रा की बात भी हो लेती है, टेक महिंद्रा भी सेम एज इट इज़ अगर बात करें तो ये भी सेम इसी लेवल पर 1077 तक गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 के आसपास चल रहा है, और इसका जो इसका मैक्सिमम भी देख लीजिए सेम इसी तरीके से, और एज वेल एज 5G में काम करने वाला है, और जून जुलाई अगस्त में आपको 5G आता है वो दिखेगा। एक तो एक बेनिफिट ये हो गया, दूसरे बेनिफिट ये हो गया रिजल्ट आने वाले, तो ये भी आपको 1150-1200 तक जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर कुछ आपको पैसा लगाना है, थोड़ा सा आपके अंदर जिगर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुछ ऐसे मैं आपको मिड कैप शेयर बता रहा हूँ कि आप इसमें पैसा लगाओगे तो जो ये TCS इन्फोसिस आपको रिटर्न देंगे ना, उससे ज़्यादा रिटर्न ये शेयर देते हुए आपको देंगे मिलते दिखेंगे। बट इनमें आपको बताना चाहता हूँ ऊपर नीचे होता हुआ नजर आएगा, ऊपर नीचे मतलब यहाँ पर आपको शेयर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी, यहाँ पर देखिए गिरावट भी ज़्यादा है और ये भागेगा भी बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पर बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं ये कहाँ से 2800 के आसपास से ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है, और विद इन 6 month में आपको रिटर्न देख सकते हैं 1500 से क्या गया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं इस तरीके से, बट इसका टारगेट मुझे जो लग रहा है 3000 लग रहा है इस बार, इसके रिजल्ट आते आते जो कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 3000 रुपये का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, 3000 तक ये शेयर जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा LTTS तो 4400 रुपये तक गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 452 भी खाई, तो इसे तो क्रॉस करेगा ही करेगा। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मुझे ये लगता है कि 4700-4800 तक ये शेयर जाएगा, 700 रुपये से 800 रुपये का यहाँ पर पूरा मुझे दिख रहा है कि ये जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी पार्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टाटा इलेक्सी भी उसी श्रेणी में आता है, और अगर बात करें 52 की खाई की, तो 3000 तक ये गया था, और मैंने ये वीडियो इसके ऊपर वीडियो जब ये 1600 पे शेयर चलता था ना, तब मैंने यहाँ पर बनाई थी कि इसे खरीद लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आसपास मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी जब ये था। इसके बाद ये सीधे 3000 रुपये तक गया, अब ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और इसका टारगेट मेरे हिसाब से जो लग रहा है ना, विद इन 1 से 2 months ये आपको 3300 से 3400 रुपये जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे महंगा IT शेयर की लिस्ट में ये अभी कुछ दिन पहले इसका नाम भी आया था। एज वेल एज एक और शेयर है माइंडट्री, माइंडट्री तो अच्छा खासा चल ही रहा है, और कुछ ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई इसी तरीके से गिरावट, बट अच्छा खासे रिटर्न और रिजल्ट इसने पेश भी करे हैं कुछ दिनों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 फेब से अभी 1 महीने के अंदर अंदर ये शेयर किस तरीके से भागा है, 24-25% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, तो इसमें देखिए अभी गुंजाइश बहुत है, ये भी 2500 के आसपास मुझे नज़र आ रहा है विद इन 1 to 2 months, सो इसलिए थोड़ा सा इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। सेम एज इट इज कोफोर्ज, इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा, मिड कैप पे ये शेयर है सारे के सारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी शेयर अच्छा खासा भागा है विद इन दैट पर्टिकुलर 1 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16-17% के, तो इधर भी मुझे 3100-3200 के टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं, तो इसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। और फिर एट लास्ट
इन्फो एज, तो इसमें ना एक पैटर्न बन रहा है, कर्व्ड हैंडल पैटर्न का। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको ने देखनी है तो नीचे वीडियो में जाइएगा, न्यू वीडियो सेक्शन में, तो यहाँ पर आप देखिए दो शेयर, और मैंने लिखा भी है कर्व्ड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पर एक शेयर है जो ये कर्व्ड हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब वो एक लेवल है उसका, अगर उसके जो कौन सा लेवल है तो आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला, अगर इस वाले लेवल को इसने क्रॉस कर दिया ना 5500 को, इस बार जो मुझे लग रहा है कि कर देगा, इसके रिजल्ट आ रहे हैं, इस वाले लेवल को अगर इसने क्रॉस कर दिया 5400 वाला, तो ये शेयर आपको फिर 6000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इसका यहाँ पर अगर इधर ही दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए ये कप सा बन रहा है, ये हैंडल बन रहा है जो गिरता हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ पर से ये थोड़ा सा गिर रहा है, बट अगर ये यहाँ से सीधा सीधा चल चल के यहाँ पर से थोड़ा सा बढ़ गया, इस लेवल को क्रॉस कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से बात कर रहा हूँ, 5500 से फिर ये सीधे जाए निकलेगा 6000, और 6000 से ऊपर। तो इस बात को याद रखना, बहुत अच्छा शेयर है, आपको कल भी वीडियो में बताया था, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और बाकी इस शेयर की तरफ नज़रें बनाइएगा, Naukri.com या फिर इन्फो एज इस शेयर का नाम है, ओके। और ये इसके टारगेट 5500 से 5600 रुपये मुझे लग रहे हैं, जो कि 1000 रुपये आपको लग रहा है सीधा ऊपर की तरफ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यही 10 शेयर थे जो कि टेक्नोलॉजी से, आईटी से रिलेटेड थे, और इनके बिजनेस को चाहे कोरोना या कुछ भी आए, कुछ भी इफेक्ट नहीं करने वाला, और FIIs DIIs इसमें खरीदते हुए अब नज़र आएंगे, ऑलरेडी कुछ टाइम पहले भी खरीदा है और फिर दोबारा खरीदते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए इन्हें बेचो मत, अगर गिर रहे हैं तो डरो मत, इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह काम करो, कोई परेशानी नहीं है, मार्केट गिरने दो, ऊपर की तरफ ये शेयर जाते हुए आपको मिल जाएंगे, बल्कि बाय ऑन डिप्स करके और खरीदिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करेगा, और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सबसे पहली बात आपको खरीदना है अपनी स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहूँ, और इस तरीके से हम लोग मिलकर पैसा कमाते रहे और मार्केट में आगे बढ़ते रहे, और एक हमारी एक बिग फैमिली हो, यही हमारा उद्देश्य है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।